Kumar Vishwas, who has hit the news for the wrong reasons for that controversial comment, 2008 video comments that are seen to be completely racist, is with me. He's joining me from Amethi tonight. Kumar Vishwas is fighting the next Lok Sabha election against Rahul Gandhi from Amethi. Kumar Vishwas, welcome. What you have said is unforgivable. इसे माफ नहीं किया जा सकता. मगर मुझे ये अजीब लगता है कुमार विश्वास जी कि पहले तो आपने माफी मांगी, उसके बाद आप फिर अग्रेसिव हो गए कि मैंने गलती क्या की. आपने ये कहा, मैं जरा आई वुड लाइक टू जस्ट रीड आउट व्हाट यू सेड. यू सेड पहले नर्सें जो थी केरल से आती थी, काली पीली थी. अर्लियर द नर्सेज वर फ्रॉम केरला एंड काली पीली ऑब्वियसली इज अ रेफरेंस टू देयर कंप्लेक्शन. तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज निकलती थी कि अल्लाह सिस्टर ही हो. बहुत सारी लड़कियां प्रोफाइल पे फोटो लगाती ही नहीं कि पता नहीं क्या हो जाए. अब आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी, एकदम बिल्कुल शानदार. यू आर जोकिंग कुमार विश्वास अबाउट द कंप्लेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम एन इंडियन स्टेट एंड कॉन्ट्रास्टिंग दैट विद द कंप्लेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. व्हाट इज दिस? What were you doing? May I answer, Arnab? Yeah, what were you doing? May I answer? Yeah, yeah, please go ahead. Just now, listen, please. I'm listening. Listen calmly. पूरी दुनिया में चाहे वो रसल पीटर्स हो चाहे कोई भी हो, जो भी लोग अपने कॉमिक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस स्क्रिप्ट का कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता है, वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती है. रसल पीटर्स को आगे वाली सीट पर $2,000-5,000 में देखने वाले हम सब हिंदुस्तानी उसके ह्यूमर पर बड़े खुश होते हैं. और ये सारी बातें मैंने आपके बारे में भी जोक किया है अर्नब, आपको किसी दिन मिल जाएगा. जब मैं इसमें नहीं था, आंदोलन में नहीं था, उससे पहले मैंने आप पर भी और हिंदुस्तान के कुछ और बड़े पत्रकारों की स्टाइल पर भी काफी जोक उस समय क्रैक किए हैं जो स्क्रिप्ट का हिस्सा होते थे. वो भी आपको मिलेगा. और आने वाले कल में वकीलों, डॉक्टर्स को, जातियों में बहुत सारी बातें. अग्रवाल महासम्मेलन का कार्यक्रम है तो अग्रवालों पर जोक किए हैं, मारवाड़ियों पर दो वन लाइनर बोले हैं. मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं, अगर कोई हिंदुस्तान का आदमी मेरे द्वारा लिखी गई किसी एक कविता की एक पंक्ति ढूंढ के लाए जो किसी के विरोध में हो या किसी पर रिमार्क हो, तो मैं आज अमेठी में युवराज के सामने अपना नामांकन वापस ले लूंगा. सो यू हैव टेकन बैक? नो नो नो, यानी कि कॉमिक स्टैंड अप आर्टिस्ट? नो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात पूरी सुनेंगे? नहीं नहीं, मगर मैं आपके कॉमिक स्टैंड अप का जो आर्ग्यूमेंट है उसके खिलाफ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूं. आप मेरी बात सुन ले. 2 minutes, just listen to me, please. You are telling me about, you know, you are saying Russell Peters. Now, let me tell you, stand-up comedians across the entire world, right? Even in the United States of America, they have been made to apologize for their comments or outbursts if they have been racist. Okay, I'll give you one example. There is this person called Michael Richards in the United States. He used the N-word in 2006. Against some members in his audience in a reference to the African American community. There was public outrage, right? Yeah, he is a stand-up comic. He had to say, I said some pretty nasty things to Afro-Americans. I am very, very, very sorry. He didn't come and say like Kumar Vishwas that, I know, this is my creative license. No, no. आप पूरी बात सुन लीजिए. मैंने बार बार ये बात कहा कि 2003, 2004, 2005 में हिंदुस्तान की IITs में, IIM में स्टैंड अप कॉमिक के साथ जो कि पोइट्री के बीच में गैग्स जोड़े जाते थे स्क्रिप्ट के अनुसार, वो मैंने लगातार बोले, पूरे देश ने बोले, सबका लाफ्टर आया, सब खुश हुए, एवरीवन वाज हैप्पी. उसमें सारे हिंदुस्तान के बड़े ब्रेन भी थे, उसमें सारे लोग थे. मैंने बार बार कहा कि उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, उसका कोई रेशियल मोटिव नहीं था, पॉलिटिकल नहीं, उसका कोई इंटेलेक्चुअल मोटिव नहीं था, पॉलिटिकल. उसके बाद भी, मैं मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी हुई, किसी को आहत हुआ, तो आपने 3 बार सॉरी बोला. मैं 1,000 बार बोल चुका हूं और 1,000 बार फिर बोलने के लिए तैयार हूं. सॉरी 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 सॉरी. नहीं, सॉरी की बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है. युवक कांग्रेस के लड़कों के साथ मैं देखिए पार्टी का दफ्तर तोड़वाएंगे, प्रदर्शन करवाएंगे, इसलिए क्योंकि मैं अमेठी में. अरे अर्नब गोस्वामी जी, लगभग 70 मुकदमे हो चुके हैं पिछले 9 दिन में मेरे ऊपर, तो मेरी सारी कवि सम्मेलन की टिप्पणियां इन कांग्रेसियों को आज ही याद आई. कुमार विश्वास जी, अभी देखिए, दामिनी जमीन क्या हुआ तब सॉरी देखिए देखिए कुमार विश्वास तब सॉरी नहीं बोला देखिए कुमार विश्वास हुआ तब सॉरी नहीं बोला कुमार विश्वास जी चुटकुला सुनाया कुमार विश्वास जी मनता पर जो पूरी दुनिया सुनाती है कुमार विश्वास सरदारों पर आपने चुटकुला सुनाया कुमार विश्वास जी नहीं 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 वन सेकंड ये देखिए बात क्या है. ये आप जो काली पीली की बात कर रहे हैं,
ये तो एक तरह से डायरेक्टली आप रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं, ये तो नस्लवाद है, ये कोई जोक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप क्योंकि 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 दो मिनट आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात खत्म करने नहीं दे रहे। देखिए सुनिए, आप मेरी बात खत्म करने दीजिए, आप क्वेश्चन तो सुन लीजिए। कुमार विश्वास दोनों शब्दों को मिलाया, कुमार विश्वास जी मेरी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने मिक्स किया, नहीं 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 नहीं, आपने कहा कि पहले नर्से काली पीली थी, केरल से थी, आजकल नर्स नॉर्थ इंडिया, नहीं कहा, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी है, एकदम बिल्कुल शानदार। Say that anything you have said, first of all, it's not a script. It's not an imaginary script. It's not fiction. Definitely so I don't understand. When you said today, no, will the Congress party apologize for Raj Babbar? Have you ever attended any Kavi Sammelan? Tell me, Arnab Goswami ji, have you attended any Kavi Sammelan in your life? No, listen, Kumar Vishwas, I have covered politics, and I'll ask you one question. I'm asking to you as a politician, please. You know, that's why you are asking, one minute, asking Kumar Vishwas, one minute, you hear me. You should ask question in a Kavi Sammelan manner. Here, ask Suresh Sharma ji, you ask another poets, no, what no. they have said, what no, they you, are you saying, made a the comment. Same thing they are repeating for 100 no, it's years. Not just, no, no, Kumar, it's not just no, about I, that. I it's not just about comment. That. Please hear me. I now. Cannot buy it. You may not buy it now. It was a script, and if it was a script, and anyone heard, now I have that. I have also, is it true? I have written an apology to all of them. Is it true that you have also made comments that invited criticism from the Muslim community, especially from the Shia community? Now, even if, now my question to you is this, allow me to complete my question. Even if you were making added these comments, with, added with Sikh, Jain, Hindu also. Even if you were making these comments on a particular, on the Shia community, why should these comments be directed at people belonging to a particular committee or linguistic group be a feature of your speeches constantly? And why should, you know, this video okay, that your comments that now. You have made about Shias, are you saying that that too was just a joke? Because आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए अर्नब गोस्वामी, अगर आपका कोई पॉलिटिकल मोटिव है इस बात को सिद्ध करने का बार बार कि मैंने कहा तो मैं आपसे असहमत हूँ, आप मुझे 100 बार कह दीजिए मैं। देखिए कुमार विश्वास जी, कोई सवाल कोई करे, कोई सवाल कोई करे, और अगर एक मिनट मैं ये बात, मेरी बात एक मिनट रख लीजिए, ये बहुत बुरी हैबिट हो रही है आजकल। क्या हो रहा है कि अगर आप कहे कि कांग्रेस को कोई टफ क्वेश्चन करे और बोले कि नहीं नहीं आपको बीजेपी की तरफ, एक मिनट कुमार विश्वास जी, वन सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, आई हैव टू मेक एन ऑब्जर्वेशन। यू सी इनटॉलरेंस ऑफ द मीडिया इज नॉट गुड। नाउ यू आर इन पॉलिटिक्स यू नो कुमार, व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक अ पॉलिटिशियन, ए बी यू आर इन पॉलिटिक्स एंड वन सेकंड देयरफॉर यू आर ऑल्सो इन पब्लिक लाइफ एंड देयरफॉर कुमार आई विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक आई आस्क टू एनी पॉलिटिशियन इन पब्लिक लाइफ। नाउ इफ देयर वाज अ कांग्रेस लीडर who in an earlier video was to have made comments regarding say the Muslim community or the Shia community, and if he were to say no, I made those comments as a poet, I would ask him the same question, and I would ask him in the same okay. way that I'm asking you the question today. So my question to you gets reiterated. Okay. There are two or three other comments which have been made. Your defense is that you have been making such comments for a long period of time as a performer, right? As a performer. But this is not a joke. It's one is slightly racist, another is a comment on a religious group. It's not exactly, you know, a standard joke, Kumar, you know? Yeah. Let me answer now and I hope yes, you will please. Listen. Yeah, please. Let me answer now and I hope listening. You will listen. Now, the thing is ki Kumar Vishwas ne sardaron ka mazak banaya. Is par bhi mukadma hua. संता बनता के जोक सुबह दोपहर शाम आप नहीं सुनते नहीं हैं। ये मैं उसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा आपको, मैं जिस बात के बारे में आपको पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं देर आर नो वन सेकंड कुमार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस मैंने आपको उस तरह के जोक के बारे में पूछा, मैंने आपको कोई उस तरह के जोक के बारे में पूछा, आपने कहा कि मैंने आप पे भी जोक किया, मैंने आपको पूछा कि आपने मेरे पे क्या जोक किया, वो नहीं किया। मैं सिर्फ दो इंस्टेंसेस के बारे में पूछ रहा हूँ
मेरा पूरा वाक्य तो सुन लीजिए। नहीं कुमार जी, पहली बात यह है, मेरा पूरा पहली बात यह है कुमार जी, जिस चीज के बारे में आपको पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि केरल के औरतें काली पीली है, हमारे नॉर्थ इंडिया के औरतें शानदार है, ये पहला कॉमेंट है जिसके बारे में पूछ रहा हूँ। और दूसरा जो आपने शिया कम्युनिटी के बारे में कर रहे हैं, सिर्फ दो कॉमेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ आपको, मिसकोट कर रहे हैं, सिर्फ दो कमेंट्स के बारे में पूछ रहा कर रहे हैं बार बार। मैं कह रहा हूं कि अच्छा चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन के बारे में। आमिर खान ने एक मजाक उड़ाया कि बलात्कार चमत्कार को एक कर दिया और धन स्तन को एक कर दिया, इसका मतलब आमिर खान जो है वो साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ा रहे हैं। महमूद पूरी जिंदगी साउथ इंडियन की एक्टिंग करते रहे, उनकी मजाक उड़ाते रहे, इसका मतलब वो मजाक उड़ा रहे हैं। आपका एग्जांपल गलत है, मैं कह रहा हूं एक पोएट्री की लाइन ढूंढ के लाइएगा आप, एक पार्ट आपको कवि सम्मेलन पता ही नहीं है ना, वहां एक स्क्रिप्ट अच्छा, होती है कुछ पता हमारे नहीं। देश के बड़े से बड़े कवि, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साउथ इंडियन कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि भैया और कुछ नहीं तो चेरी ब्लॉसम दे दो मैं, कम से कम चमक तो आ जाएगी, ऐसा बोला, नेट पर है। पर चूंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, चूंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं खड़े हैं, इसलिए ओमान चांडी उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ओमान चांडी मेरा पुतला जलवाएंगे, मेरा ऑफिस वेंडिकेट कराएंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं अगर किसी भावनाएं आहत हुई है तो हजार बार 2000 बार माफी सॉरी लिखवा लीजिए, सड़क पर चौराहे पर फांसी। ये कमेंट जो आपका है कुमार विश्वास जी, लिखी हुई एक स्क्रिप्ट, कुमार विश्वास जी, कुमार आप अगर आप चाह रहे हैं कि इश्यू जो नहीं है उसे आप बनाएं, कुमार विश्वास जी आपको, लेकिन मेरी बात आप पूरी नहीं सुनना चाह रहे हैं। मैं चार बार बोला हूं, चारों बार आप बीच में बोल गए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कवि सम्मेलन में दो कविताओं के बीच में जो बोला जाता, अब जैसे मुझे बताइए मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने कहा मुझे यमराज मिले, मैंने यमराज से पूछा, अब बताइए मुझे यमराज मिले क्या, मैं मर गया क्या, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ आपको, चांद से एक आदमी मिला, उसके बारे में पूछ रहा हूँ आपको, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ आपको उसके बारे में, हाँ चूंकि उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, उसके बारे में मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, उसका आप उत्तर दे रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कुमार विश्वास जी। मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट आप सुन तो लीजिए, अब ये भी ऑप्शन है आपका, जो आप मुझसे, एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है कुमार विश्वास जी कि मैं आपकी बात सुनूं, मगर जब मैं प्रश्न करूं आपको तो आप बोलते रहे ताकि आप मेरी बात नहीं निकले, ये तो काफी नाइंसाफी हो गई कुमार विश्वास जी। इसलिए मेरी बात देखिए देखिए, ना ही मैं हिंदी आपकी तरह से बोल सकता हूं, ना ही मैं इतनी ऊंचे स्तर पे बोल सकता हूं, मगर मैं ये तो आपको कहूंगा सीधी तौर से कि आपने कहा विल द कांग्रेस पार्टी अपोलोजाइज फॉर राज बब्बर्स रेप सीन इन इंसाफ का तराजू और द बीजेपी अपोलोजाइज फॉर द रेप सीन इन शैतान। नाउ यू नो दैट इज अ फिल्म, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके, एंड आई हैव गिवन यू the example of Michael Richards, well-known stand-up artist from the United States, who when he said something about the Afro-American, the black community, he was made to apologize when what he said made its way to the internet. And one second. Now, Michael Richards, now you understand this. Michael Richards, Kumar, please understand this. Michael Richards was a stand-up comic. He's not fighting for an election. Now, if Michael Richards was to fight for an election, even if he was not fighting for an election, he was made to apologize, right? If he was standing for an election, people would look back at what he said. Now, there is a difference between saying that I'm saying something on stage as a poet and a Hindi film. You understand that difference, or are you saying there is no difference between the two? Why did you make the comparison to Raj Babbar's rape scene in Insaf Ka Tarazu? Explain that. अब आप, मुझे उम्मीद है कि अर्णव गोस्वामी मेरी तीन बातें सुनेंगे और उसमें बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। पहली बात, मैंने जो कुछ भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ या सुना हुआ जो मंचों पर बोला जाता है, जो बाकी लोगों ने भी बोला, अगर मैंने वो बोला तो वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट था, उसका कोई मोटिव नहीं था। उसके बाद भी अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हुए तो मैंने किसी के भी कहने पर अनकंडीशनल उनसे माफी मांगी और कहा कि कभी भी 2003 में 2004 में जो आपकी भावनाएं आहत हुई थी, जो राहुल गांधी के चुनाव से ठीक पहले जागी हैं, उन सबके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये मैंने लिख के भी दिया, बोला भी। आपने मगर आपने तो आज कह दिया, आपने तो उल्टा कहा विल द कांग्रेस पार्टी अपोलोजाइज फॉर राज बब्बर्स रेप सीन इन इंसाफ का तराजू। अब आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, यही मैं अगली बात कहना चाह रहा था अर्णव गोस्वामी जी, आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने एक भी कवि सम्मेलन अटेंड नहीं करा है, वहां 70-75 साल के संचालक को 19-20 साल की एक कवित्री एक शेर पढ़ती है।